अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आया हूँ डेसू रॉक कार्विंग में, और ये इनकी एंशियंट लाइक अराउंड 1000 ईयर्स बैक की रॉक कार्विंग्स हैं। और यहाँ पर तकरीबन 1000 ऑफ स्टैचूज़ हैं जो कि पहाड़ों के अंदर उन्होंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इस तरफ, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस के मल्टीपल स्टैचूज़ हैं, और ये पीछे पूरा पहाड़ है उसको उन्होंने कार्व कर कर बनाए हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, दे आर मल्टीपल, लेट्स सी दिस। यहाँ पर स्टैचूज़ हैं, और इसी तरह से लाइक इफ़ यू सी देम क्लोजर, ऑल ऑफ देम आर डूइंग समथिंग। लेट्स से जैसे ये है, तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ मे बी हॉस्पिटल के वो आया, और उनकी लाइक सम डॉक्टर इज़ टेकिंग केयर ऑफ। इसी तरह से दिस पर्सन ओवर हेयर इज़ प्रेजेंटिंग सम फूड टू अनदर वन, और दिस इज़ द मेजर बुद्धा स्टैचू। मूविंग फर्दर वी हैव हेयर लाइक ये एक पर्सन मल्टीपल लोगों को बिठा कर लेके जा रहे हैं उसमें। और इसी तरह से यहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि वट एग्जैक्टली दिस इज़, क्योंकि दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस, बट दिस डो नॉट सीम्स लाइक अ ह्यूमन। और यहाँ पर है, फिर से यहाँ पे और डिफरेंट तरह के टेक्सचर शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये सब स्टैचूज कुछ ना कुछ डिपिक्ट कर रहे हैं, लाइक जैसे अभी है तो इट इज़ होल्डिंग सम अदर स्टैचू जिसके अंदर एक और बुद्धा का स्टैचू है। और दिस गोज़ लाइक दिस, ये इंटरनल उनका जो है वो सबसे मेजर कह लें कि वन ऑफ द बिगेस्ट वन, और ये पूरा गोल्ड उसमें है, गोल्ड से बना हुआ है। अभी मैं अंदर जाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। और अगर हम बाहर से देखें तो देर आर फ्यू रॉक कार्विंग्स ओवर हेयर, इस तरफ ये ड्रैगन्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से पानी आ रहा है, लाइक वो ड्रैगन का जो मुँह है वहाँ से पानी आ रहा है। और देर इज़ दिस स्टैचू ऑफ बुद्धा, और ऑफ बुद्धा सिटिंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ अ बर्ड, मतलब ये कोई बर्ड है उसके ऊपर सिटिंग ऑन ऑन दिस बर्ड। और यहाँ पे जो ड्रैगन है इससे पानी आ रहा है, और दिस इज़ द बिगेस्ट स्टैचू एज वेल, लाइक ये इसका फेस यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर लेटा है जैसे कह लें कि, और ये यहाँ तक एंड तक यहाँ तक है। सो दीज आर द टू मेजर स्टैचूज ओवर हेयर, बाकी मैं अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ इसमें। कि यहाँ पर ये जो स्टैचू है इट इज़ सिटिंग ऑन अ पीकॉक, यहाँ पे बहुत मुश्किल से पढ़ा है कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनिमल्स आर हेयर, जैसे आप यहाँ पर देखें तो इट इज़ अ टॉर्टोइस, और इस तरह से इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ स्नैक, और यहाँ पर भी इट इज़ अगेन सम सॉर्ट ऑफ बर्ड, मे बी इसका स्मॉलर वर्जन। और इट गोज़ लाइक दिस, और दे विल बी सर्वेंट टू दिस बुद्धा, लाइक जो भी इसमें है। और ये ना बहुत ज़्यादा गोल्ड प्लेटेड भी हैं, जैसे यहाँ पर ये पूरा गोल्ड उन्होंने उसके ऊपर लगाया हुआ है। डेफिनेटली विद टाइम इट्स रस्टिंग, या फिर शायद ये मेरे ख्याल से पूरा गोल्ड का नहीं बना हुआ, जब हम अंदर जाएंगे तो वो पूरा गोल्ड का बना हुआ है। और इस तरफ भी ऐसे ही है, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो है डिफरेंट ड्रैगन्स हैं, और उस लिहाज से उनके फुल जो है ना वो किस तरह से उन्होंने काफ किया हुआ है, डिफरेंट ड्रैगन फेसेस है। और ये जो स्टैचू है दिस इज़ 31 मीटर्स लॉन्ग, और वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धा स्टैचू है यहाँ पर ना, डेफिनेटली इस एरिया में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ल्ड, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। और इसमें अगर हम देखें तो नीचे ऑल ऑफ दीज आर द सर्वेंट्स, या डिफरेंट जो है ना वो उसमें हैं लाइक इसमें। और इसकी भी जो स्टैचू है तो ये भी पूरा पूरा नहीं, लाइक सिर्फ यहाँ तक है, इसके पाँव उसमें नहीं है, तो इन्होंने इतना काफ़ किया है। और यहाँ पर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो कह लें कि ऑक्यूपेशंस होते थे, और वो सारा कुछ ना उन्होंने डिपिक कर रहे हैं कि किस किस तरह से लोग क्या क्या काम करते थे। मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक जो इसके साथ अटैच होंगे, एंड दे आर द हेल्पर्स एंड दे आर द सर्वेंट्स फॉर दिस। अच्छा, यहाँ पर ये लोग अपनी इबादत कर रहे हैं, पेइंग रिस्पेक्ट टू बुद्धा। नेक्स्ट कुछ स्टैचूज़ हैं यहाँ पर, और इन्होंने दे आर होल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग्स इन देयर हैंड। और अगर आप पहाड़ के अंदर भी देखें तो उनके अंदर उन्होंने सर्कल्स में डिफरेंट स्टैचूज बनाए हुए हैं, गोइंग ऑन फ्रॉम हेयर। यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, और ये जो ये है तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस जो ऊपर पत्थर है जिन होल्ड किया हुआ है, तो इट इज़ अराउंड 500 किलोग्राम्स, और ये पिछले 800 साल से इट्स जस्ट लाइक दिस, लाइक ये यहाँ पर स्टेबल है। डेफिनेटली कार्व किया हुआ है, लेकिन आई गेस जो ऊपर इसमें
जो हाथ में इन्होंने होल्ड किया हुआ है उसके साथ कार्ड नहीं है, उसके ऊपर रखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इस वजह से स्टेबल है क्योंकि इसकी जो पूरे जो बाकी जो कार्ड है जिस तरह से उन्होंने पूरा बनाया हुआ है तो इट हैज़ गॉट वेरी स्टेबल पोजिशन। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गोल्ड का ना इन्होंने किसी टाइम पर इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ गोल्ड प्लेटेड, अगर इस तरह से इसको देखें यहाँ पर तो इट इज़ लाइक दिस। और यहाँ पर और मल्टीपल स्टैचू मेरे ख्याल से 114 स्टैचूज हैं, इस 119 स्टैचूज यहाँ पर डिफरेंट हैं। और अच्छा ये जो स्टैचू है इट शोज़ द व्हील ऑफ लाइफ, और इसमें डिफरेंट री इंकारनेशन के ना प्रोसेस बताए हुए हैं, लाइक डिफरेंट 6 स्टेजेस उन्होंने किए हैं। और अगर आप इसमें देखें तो हर सर्कल में या हर लेवल पर एक डिफरेंट टाइप के स्टैचू हैं एंड इट शोज़ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ री इंकारनेशन। अच्छा फिर इसी तरह से यहाँ पर कुछ और स्टैचूज हैं और इनके फेसेस ह्यूमंस की तरह लगते भी हैं और नहीं भी लगते, तो नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़, बट सब जो है ना वो कोई ना कोई लेबर वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक अगर हमने पहले उसमें देखा था तो बहुत से लोग जो हैं वो सर्व कर रहे थे, लेकिन दिस इज़ समथिंग लाइक जैसे आप जो है ना वो कुछ खोद रहे होते हैं या फिर इट हैज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ स्वॉर्ड या फिर शायद लकड़ी काटने के लिए, और इस तरह से दिस ऑल्सो हैज़ गॉट अ स्वॉर्ड, और इसके हाथ में भी कुछ इसी तरह का कुछ होगा नॉट श्योर। और इसी से यहाँ पर कुछ हैं और इनके फेसेस अब उस तरह से नहीं दें। और फिर यहाँ पर एक और ड्रैगन उन्होंने कास्ट किया हुआ है। फिर यहाँ पर आगे अगर हम आएँ तो दिस इज़ ऑल्सो डूइंग समथिंग लाइक के जैसे बैल को आप लेके चल रहे होते हैं, तो इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पर एक और है तो हाँ दिस पर्सन इज़ ट्रेनिंग दिस एनिमल, जो भी एनिमल है वो देखिए उन्होंने हाथ में उठाया हुआ पिक किया हुआ और दिस ट्रेनिंग लाइक दिस। और इस तरह से यहाँ पर बफलो ऑफ यहाँ पे भी डिफरेंट तरह के ना वो कैटल टाइप के एनिमल्स हैं, मे बी दिस मे बी बफलो और दिस मे बी आई एम नॉट श्योर बफलो की तरह है फिर पिक की तरह है। फिर इस तरह से दिस आर दे मस्ट बी टू फ्रेंड्स ओवर हियर और सीम्स वेरी हैप्पी, और मे बी दीज वर द वंस जो कि इन सबको लाइक दे मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और ये यहाँ से इस तरह से मल्टीपल आगे हैं, लाइक दिस डिपिक्ट अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। अगर हम जैसे प्रीवियस वंस देखें तो उनमें लाइक दे वर लाइक मोर ऑफ लाइक बुद्धिज्म ओरिएंटेड, लेकिन यहाँ पे दीज वंस आर मोर ऑफ लाइक एग्रीकल्चरल और यू कैन से फार्मिंग ओरिएंटेड। अच्छा यहाँ पर एक लोकल जो है तो उन्होंने बताया कि लाइक ओवरऑल ये जितने हम बफलो जितना भी एग्रीकल्चर जितना भी इसमें बता रहे हैं तो इट शोज़ द हर्ट ऑफ द ह्यूमन के, मतलब स्टार्टिंग में अगर देखें तो एक बफलो जो है वो टेम नहीं होती, वहाँ पर उसको सिखा रहा है टेम कर रहा है, इसी तरह से अगर इंसान अपने दिल को उस तरह से टेम कर रहा होता है। और देन अगर हम ये सब स्टेजेस से गुजरता है फिर लाइक इट शोज़ लाइक दिस के वो दोस्तों के साथ हंस रहा है देख रहा है बैठ रहा है, और देन इट गोज़ लाइक दिस के एंड नाउ इट शोज़ के एट दिस स्टेज के वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसने खुद को इतना वो रिलैक्स कर लिया कि उसको परवाह नहीं है, इवन देर इज़ समथिंग जो कि उसके सर से उसके चादर भी लेके जा रहे हैं कपड़े भी लेके जा रहे हैं, स्टिल इट्स जस्ट लाइक के इसको परवाह नहीं है। और इस तरह से इसके जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो टेम्ड अकॉर्डिंगली। और फिर फर्दर आगे यहाँ पर एक और सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रैगन ओवर हियर, और यहाँ से फिर वी विल गो इनसाइड और देखते हैं कि अंदर क्या है। अंदर टेम्पल है, इट लुक्स लाइक दिस, यहाँ पे डिफरेंट स्टैचूज हैं और उन स्टैचूज के ऊपर डिफरेंट तरह की कार्विंग्स हैं। एंड व्हेन इट गोज ओवर हियर देयर आर फ्यू मेन स्टैचूज, और यहाँ पर कह लें कि जैसे एक दरबार होता है एंड समवन इज़ प्रेजेंटिंग और लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम, और देयर आर सम अदर्स जो कि यहाँ पर इस तरफ है और दे लुक लाइक दिस। अंदर काफ़ी अंधेरा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम एबल टू कैप्चर इट। और यहाँ से इट्स दे हैव सपोर्टेड द स्ट्रक्चर, चाहे कि ये गिरने वाला हो गया कुछ भी ऐसा, बट दे हैव मेड द सपोर्ट और इट्स लाइक दिस। ओके सो दिस इज शेंगशो सी टेम्पल, और शेंग कहते हैं एम्परर को और शो शायद वो कोई नाम होगा, और सी कहते हैं टेम्पल को, एंड इट लुक्स लाइक दिस ऑसम। यहाँ से हम देखें और यहाँ पर इस तरफ डिफरेंट कह लें कि स्टैचूज हैं, एक स्टैचू इस तरफ बना हुआ है और एक
must be depicting something as well, like कोई शायद warrior okay, holding a sword. और यहाँ पे एक सोफा टाइप मैंने बनाया है फॉर सिटिंग. एक साइड इस तरफ है और एक साइड इस तरफ है. मेन टेंपल जो है वो सेंटर में है, तो उधर जाता हूँ दिखाता हूँ. ये सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है. ओके, दीज आर सम अदर स्टैचूज और इनके नाम लिखे हुए हैं धर तर सेट्रा समथिंग और व्यू धाका. तो ये यहाँ पर हैं और दिस इज सम सॉर्ट ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे वायलिन होता है कुछ ऐसे. यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ा था, नज़र नहीं आ रहा होगा. इट्स लुक लाइक दिस. और इसी तरह से दिस पर्सन लाइक शायद ये स्वॉर्ड जो है इसकी यहाँ से गुजर के यहाँ पे आ रही है, कुछ है इस तरह से है. और अगर इस तरफ में आऊँ तो यहाँ पर एक यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट अपनी वो इबादत के लिए भी लगाए हुए हैं. लोग आते हैं यहाँ पर इबादत भी करते हैं. यहाँ पर एक और दो हैं और इनका नाम विरूपक्सा और वैसा रवाना. डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लिहाज से, क्योंकि अभी दिन का टाइम है तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसपेरेंट है. शायद यहाँ से कुछ फिर भी कुछ बेहतर व्यू आ रहा है. और अब चलते हैं हम यहाँ से अंदर. यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो एबल टू गो देयर स्ट्रेट अवे, कोई वो नहीं होगा, स्टॉपिंग होगा. और यहाँ पे इन्होंने पानी की बॉटल भी रखी है. मे बी इट्स समथिंग के वो टेंपल से कुछ प्योर वाटर या कुछ भी इस तरह का. इट गोज हियर. यहाँ पर अंदर बहुत स्कल्पचर्स हैं. ये शायद सीम्स लाइक अ बिग ड्रम जिसको बजाते होंगे आने पे. और दिस इज़ द डाइटी ऑफ वाटर लीपिंग एंड डाइटी ऑफ फायर. मतलब हो सकता है कि ये आग के वो करने वाले हैं और ये पानी का, मतलब इस तरह करके सम सॉर्ट ऑफ अ डिपिक्शन ओवर देयर. और यहाँ पर दिस इज़ द मेन जो एम्परर उस टाइम पे होंगे, जो भी उनकी डायनेस्टी उसमें होगी. और इनका नाम लिखा है सेक्रो देवानम इंदिरा. और यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट फ्रूट्स और गमी वो रखी हैं इस तरह से. यहाँ पे है ये ग्वांगशेंग एम्परर हैं और उनके साथ हैं वेंग चैंग एम्परर. तो ये दोनों यहाँ के मतलब एम्परर इस टाइम पर ही होंगे और साथ उनके हो सकता है कि जो ख़ास लोग होंगे वो होंगे. फिर इसी तरह से हम अगर आगे जाएं तो यहाँ पे कुछ इन्होंने इबादत के लिए डेफिनेटली चीज़ रखी है. लोग यहाँ पे ख़रीदते होंगे, प्रो करते होंगे. और फिर फर्दर अगर आगे जाएं तो इट लुक्स लाइक दिस. यहाँ पर कैसे है अंदर से बंद कर दिया, अंदर से इतना मज़े का बना हुआ था, अगर नहीं जाने देते हैं. अगर जाने दिया तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल 5:30 बज गए तो दे आर क्लोजिंग इट अप, तो शायद हमें जल्दी आना चाहिए था थोड़ा सा. और ये इस तरह से. और यहाँ पे अंदर काफ़ी ज़्यादा कमरे हैं, लाइक पूरा एक टेम्पल बना हुआ हो सकता है. इट मे एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग आते होंगे, पढ़ते होंगे, इस तरह से कुछ होगा. तो ये इस तरह से. ओके, सो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. दिस वॉज डेजू रॉक कार्विंग्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी. उम्मीद है मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ जो भी मैंने देखा है उसको व्लॉग में ऐड कर दूँ. और अभी मेरे 3 दिन रह गए चॉन्गचिंग में, तो उम्मीद है कि शायद आई गो टू अ फ्यू अदर प्लेसेस और वो भी आपको दिखाता हूँ. मे बी जस्ट 1 or 2 मोर, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि कुछ और प्लान्स भी हैं. तो ओवरऑल दिस वॉज द ब्लॉग. मिलता हूँ आपसे फिर किसी और टाइम, किसी और दिन, किसी और ब्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.